हर मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे एक दर्द छुपा होता है, और शायद वही दर्द आपको जिंदा रखता है। अब आखिर क्लैश से किसका होगा फायदा? 52 वीक्स और 52 फ्राइडेज क्या है रस? क्या हो रहे हैं फिल्मों के क्लैश? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। कोरोना काल के बाद सिनेमा घर पहुंच रहे फिल्म मेकर्स बैक टू बैक अपनी फिल्मों को लेकर थिएटर्स पर पहुंचाने का ऐलान कर रही हैं। इसकी वजह से दोस्तों कई फिल्मों के बीच सिल्वर स्क्रीन पर करारी भिड़ंत होने वाली है। बीते दिन ही बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने अपनी फिल्म अंतिम के साथ जॉन अब्राहम स्टार फिल्म सत्यमेव जयते 2 के साथ बॉक्स ऑफिस क्लैश का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों और भी कई फिल्में हैं जो आपस में टकराने को तैयार हैं। भले ही देश की सरकारों ने सिनेमा घर को खोलने की अनुमति दे दी है, बावजूद दोस्तों इसके थिएटर्स पहुंच रही फिल्मों के लिए रास्ते इतना आसान नहीं है। दोस्तों बता दूं कि पहले तो सिनेमा घरों को सिर्फ 50% की क्षमता के साथ ही खोला जाने की इजाजत मिली थी। अब दूसरी ओर अभी भी दर्शक थिएटर्स की ओर रुख करने से बच रहे हैं, और उस फिल्मों के बीच दोस्तों होने वाली ये करारी भिड़ंत फिल्म निर्माताओं को नुकसान पहुंचा सकती है। इस सवाल पर ट्रेड एक्सपर्ट अमूल मोहन का कहना है कि देखिए, इस वक्त समस्या ये है कि कई सारी फिल्में हैं जो रिलीज के लिए तैयार खड़ी हैं, क्योंकि सभी लोगों पर दबाव है इन्हें रिलीज करने का। महामारी ने इंडस्ट्री को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है, और ये सच है, और हम इसे झुठला नहीं सकते। प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी क्लैश नहीं चाहते हैं, बावजूद इसके 2 सालों का कंटेंट तैयार पड़ा है और 52 हफ्ते हैं, तो 52 शुक्रवार में कितनी फिल्में रिलीज होंगी? अब आप सिर्फ 52 रिलीज ही देख सकते हैं, तो जाहिर है क्लैश तो होंगे ही। लेकिन दोस्तों, क्या महाराष्ट्र में 50% की क्षमता से खुले सिनेमा घरों की वजह से भी बॉक्स ऑफिस पर दिक्कत होगी? तो इस पर अमूल का कहना है, हाँ ये सच है, लेकिन मुझे लगता है कि सभी जानते हैं कि क्या शर्तें हैं, इसलिए वो सिचुएशन के लिए तैयार हैं कि महाराष्ट्र में 50% ऑक्यूपेसी है, 100% दिल्ली में है, और पिछले 1 से 1.5 सालों में महामारी की वजह से कई सिल्वर स्क्रीन थिएटर्स बंद हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग हालात से अनजान हैं, वो लोग इस वक्त फिल्म रिलीज करके बड़ा कदम उठा रहे हैं, और उन्हें इस पर कायम रहना होगा। अब इससे क्लैश तो होना संभव है, और फिल्मों की कमाई पर भी असर पड़ना जाहिर सी बात है। अब दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या होगा इन फिल्मों का फ्यूचर? क्या कौन करेगा ज्यादा कमाई और कौन भरेगा नुकसान? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। हमारी आज की राइटर है मनीषा जैन।